सिंदूर मांग में दो चुपके सिंदूर। कौन है? विनायक, विनायक बचाओ, बचाओ, विनायक, बचाओ, बचाओ, विनायक। कौन है? विनायक, विनायक बचाओ, बचाओ। रिद्धि की चिट्ठी के पास। विनायक का नाम क्यों ले रही? क्या हुआ विनायक? दरवाजा खोलो रिद्धि, विनायक। सिद्धि। ये सिद्धि नहीं है, कोई और है। पता है मुझे, लेकिन इसे छोड़ नहीं सकती। ये मेरे रास्ते की दीवार बन सकती है। जो मुझे चाहिए वो मेरे हाथ से निकल सकता है इसकी वजह से। विनायक! रिद्धि! विनायक! रिद्धि, कौन हो तुम लोग? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन हो? कह रहा हूँ छोड़ो मुझे। ऐसी आवाज आ रही, क्या हो रहा है? प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। मतलब सिद्धि सच बोल रही थी। कौन है तू? ले चलो इन दोनों को। इतनी भीड़ थी आज बाजार में। अरे देखो यहाँ लो, देखो हम तुम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आए हैं। तो कोई भी नहीं है, कहाँ गए? कहाँ हैं ये बच्चे? विनायक, दादी, आप बुआ जी ने जब हमें प्लीज दरवाजा खोले, कोई है? अरे सिद्धि, सिद्धि बिटिया, सिद्धि की आवाज, सिद्धि बिटिया, दादी ये अंदर से ठीक है? देखो तुम्हें, अरे बताना बिटिया, अरे आराम से बेटा, लेकिन कमरे में नहीं। हाँ? अरे पर हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। तो हम आरती करके कमरे में गए थे और कमरे का दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद रिद्धि और विनायक की चीखने चिल्लाने की आवाज। हमें बहुत डर लग रहा है दादी, अब हमें लग रहा है कि विनायक की जान खतरे में। हेलो, हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया। तुम्हारा पति मेरे कब्जे में, अब जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना होगा। कौन बोल रहे हो? कहां से बोल रहे? मैं तुम्हारा पुराना आशिक आयुष। आयुष, अब तुम्हारा पति और उसकी नई दुल्हनिया को मरने से सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। फैसला तुम्हें करना, या तो जो मैं कहूंगा वो करो, या दोनों की मौत की खबर सुनने को तैयार हो जाओ। देखो विनायक और रिद्धि के साथ कुछ मत करना। नहीं करूंगा, वादा। लेकिन जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। बोलो मंजूर है? एक सेकंड, तो बच गई लेकिन तेरा पति मेरे कब्जे में। प्यार करती है ना उससे? ये देख,
देखो तुम विनायक और रिद्धि के साथ कुछ नहीं करोगे। छोड़ दो, हमने कहा छोड़ो। तुम जहां कहोगे हम आ जाएंगे। बताओ कहां आना है। तेरी इसी अदा पे तो हमको प्यार आता है सनम। कम सून, आई एम पेडिंग। विनायक, रिद्धि, हम आ रहे, जल्दी आ रहे तुम्हारे पास। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो ने। देखो हमने कहा छोड़ो, वरना अच्छा नहीं होगा। छोड़ो ने। बहुत इंतजार करा है तुमने, बहुत तड़पाया अपनी आशिक को। खबरदार, जो हमें छूने की कोशिश की थी, जान ले लेंगे तुम्हारी। इसे तो मैं जान से मार दूंगा। इस बेवकूफ ने तुझे से खूबसूरत लड़की को ठुकरा दिया। पता नहीं क्यों, मैं होता तो बिल्कुल ऐसा नहीं करता। इसने तुझे छोड़ दिया और तू अब भी इसके प्यार में पागल है। तुझे मैं या मेरा प्यार नजर नहीं आता। तुझे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता। भूल जाना इसे जैसे तुझे भूल गया। इसने तुझे छोड़ के किसी ऐसी लड़की से शादी कर दी जो तेरी बहन जैसी दिखती है। क्या नाम है उसका? हाँ, माया। उससे भी बदला लेना था मुझे। अच्छा सुन, तेरे एक ऑफर है, स्पेशल ऑफर। इस परी को यहीं छोड़ दे और विनायक को यहां से ले चलो। बोल, मंजूर है? रिद्धि नाम है ना इसका? हाँ, सुना है उज्ज्वला देवी बड़ी जुगाड़ू और पैसे वाली। अब इसकी मां से पैसे वसूल करूंगा। अब ये बनेगी मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। देख, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। एक झटके में सौतन से छुटकारा। जल्दी फैसला कर। तुम रिद्धि को अपने पास रखो, हम विनायक को लेके यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। सौतन से छुटकारा मिल जाएगा हमें और तुम्हें रिद्धि की माँ से पैसा मिल जाएगा। दोनों के लिए फायदा हो जाएगा। अब रिद्धि तुम्हारी हमेशा के लिए। बस बहुत हो गया, अब तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। तुम्हें क्या लगा था हम रिद्धि को तुम जैसे शैतान के पास छोड़ देते? कभी नहीं। बहन माना है हमने उसे। तुम जैसे शैतान के पास तो उसे कभी छोड़ के नहीं जाते। छोड़ो उन्हें, हमने कहा छोड़ो। और तुम लोग आगे आने की कोशिश मत करना। छोड़ो। मुझे पता था कि तू अपनी आदत से पास नहीं आएगी। अब तो देख मैं क्या हाल करता हूं तुम तीनों का। इसी जिद और हिम्मत का तो दीवाना हूं मैं। अब तेरे साथ वो होगा जो तू सपने में भी नहीं सोच सकती।
आप दोनों ठीक तो है ना? वो आयुष ने आप दोनों के सब कुछ किया। एक मिनट, हम यहाँ कैसे? क्या हुआ था विनय? क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ददिया सब चुप क्यों है? सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कि हमने कोई गुनाह किया हो? क्या हुआ था? कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है कि क्या हुआ था हमारे साथ? बिटिया, वो तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। मुझे तो पहले से ही शक था तुम पे, लेकिन आज तुम्हारी असलियत बाकी सबके सामने भी आ चुकी है। असलियत? कैसी असलियत? उधर देखो, आ जाइए। हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? और हाथ कैसे लगाया हमारे पति को? छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, जान से मार के निकाल दूँगा। बस नहीं दे सकता मैं तुम्हारा साथ, नहीं कर सकता और ये नाटक। वाह, अच्छा प्लान बनाया था अपने आशिक के साथ मिलके तुमने। कितने पैसे के लिए किया ये सब? हमसे पैसे लूट के अपने आशिक के साथ भागने का इरादा है ना तेरा? बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? मैं अभी ब्लैंक चेक साइन करके देती हूं तुम्हें। पैसे ले और मेरी बेटी और मेरे दामाद की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जा। आंटी जी, ये सब आप क्या बोल रही? चुप, बेशरम लड़की। शर्म नहीं आई तुझे? अपने आशिक के हाथों मेरी बेटी और मेरे दामाद को किडनैप करवा के? पैसों के लिए गिरने की हद से भी इतना नीचे गिर गई तू? हाँ झूठ बोल रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं की। करना तो दूर, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। आंटी जी, बिल्कुल, हमें हमारी सिद्धि बिटिया पर पूरा विश्वास है। वो ऐसा ओछा काम कभी कर ही नहीं सकती। बहुत विश्वास है तुझे इस सिद्धि पे? हाँ है, सबूत है इसकी काली करतूतों का इस लड़के के पास। देखो, सब देखो इस लड़के की सच्चाई और इसके काले इरादों की कहानी। देखा? रिद्धि को अपने पास रखो, हम विनायक को लेके यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। सौतन से छुटकारा मिल जाएगा हमें और तुम्हें रिद्धि की माँ से पैसा मिल जाएगा, दोनों के लिए फायदा हो जाएगा। अब रिद्धि तुम्हारी।
शर्म नहीं आई तुम्हें? अच्छा तरीका ढूंढा तुम विनायक को पाने का। कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? तुमने मेरा ही सौदा कर दिया। सौंप दिया मुझे उन गुंडों के हवाले कर दिया। मुझे बहन माना था मैंने तुम, और तुम तो बहन के नाम पर कलंक निकली। कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? अपने प्यार को पाने के लिए तुम इस हद तक गिर गई। अच्छा हो जो तुम्हारी असली बहन सुंदा नहीं है, वरना शायद तुम उसे भी बेच देती। बस रहती आइंदा फिर से कभी हमारी बहन का नाम अपनी जुबान से मत ले। और कितना बेइज्जत करोगे हमें? हाँ झूठ बोल रही, आप सबने जो सुना वो आधा सच, पूरा सच हम बताते। पूरा सच ये है कि पहले भी एक बार समझा चुके, बार बार नहीं समझाएंगे। आज के बाद अगर हम पे हाथ उठाने की हिम्मत भी की तो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से मिलेगा। सोच भी कैसे लिया हम ऐसा कुछ कर सकते? आप लोग हम पे यकीन करें या ना करें, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि विनायक हम पे यकीन जरूर करेंगे। आप बताइए विनय, आपको तो हम पे यकीन है ना? बिल्कुल नहीं। तुमने ये जो हरकत की है इसकी तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अब आएगा मजा। अच्छा हुआ जो मैं बिल्कुल सही वक्त पे रिद्धि के फोन को ट्रैक करके आयुष तक पहुंच गई और उसके साथ मिलके ये पूरा प्लान बना लिया। तो वो आप हैं जिसने मुझे जेल से छुड़वाया, वजह जान सकता हूँ? जरूरत नहीं, जैसा कहती हूँ वैसा करते जाओ। इतना पैसा दूंगी कि उम्र भर गिन नहीं पाओगे। बोलो मंजूर है? करना क्या होगा मुझे? मेरा प्लान जरा ध्यान से सुनो। इससे पहले कि मैं अब पुलिस को यहाँ फोन करके बुलाऊं, तुम निकल जाओ इस घर से। ये तो अच्छा था कि मैं वक्त पे वहां पहुंच गई, वरना मेरी वृद्धि आज जिंदा नहीं होती। तुमने तो पूरा प्लान बना लिया था इसे मारने का। आज देखो आप तो हमेशा न्याय करती हैं, बताइए आज आप न्याय करेंगी, सजा देंगी इसे? अभी इसी वक्त इस घर से निकालेंगी। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम इस बात का यकीन नहीं करेंगे
क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी सिद्धि कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती है। हम हर हाल में अपनी सिद्धि के साथ हैं। और मैं भी सिद्धि के साथ हूँ, और सिद्धि ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। अरे चुप करो तुम दोनों, मत भूलो इसने मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की है। अब तो इसे इस घर से निकलना ही पड़ेगा, और मैं देखती हूं कौन रोकता है। हम इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.